बिसम रहीम हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव्स में हमारा जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है दैट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा था मल्टीपल अंडर के साथ हम इसको देखेंगे आज हम इसको देखेंगे करेंसी के साथ करेंसी की हमने पहले भी डिफरेंट जगह पे थोड़ी बात की हुई है तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव का स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू करेंसीज करेंसी फॉरवर्ड्स आर ओ टी सी ओ टी सी हमने वर्ड सीखा था कैन यू रिकॉल ओवर दी काउंटर यानी कि जो हमारे लिए कस्टमाइज ट्रांजेक्शन बनाई जाए ट्रेड इन द फॉर मार्केट दैट लॉक एंड एक्सचेंज रेट फॉर अ पेयर ऑफ करेंसी दो करेंसीज़ का एक आप रेट लॉक करते हैं दैट इज़ इन दोटी सी आपको बैंक्स भी देते हैं मनी चेंजर्स भी नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन करते हैं दे आर जनरली यूज फॉर हैजिंग एंड कैन बी कस्टमाइज टर्म सच एज पर्टिकुलर नोशनल अमाउंट किसी भी अमाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और डिलीवरी पीरियड कुछ भी इसके साथ हो सकता है अनलाइक लिस्टेड करेंसी कुछ और आगे के जो फ्यूचर्स पढ़ेंगे ऑप्शन पड़ेंगे, पड़ेंगे वहाँ पर तो चीज़ें थोड़ी स्टैंडर्डाइज होंगी और कुछ इनिशियल पेमेंट्स भी होंगी जो करेंसी का जो इनिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके इनिशियली कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती फॉरवर्ड्स में एट द बिगिनिंग ऑफ टर्म कोई पेमेंट नहीं होती जो सेटलमेंट पे पेमेंट होगी लेना देना होगा वो मच्योरिटी पे या सेटलमेंट पे होगा बिगनिंग में कोई पेमेंट नहीं होगी ये फॉरवर्ड का एक करेक्ट्रिस्टिक्स है जो कि हमें याद रखना चाहिए अ करेंसी फॉर्ड एज लिटल फ्लेक्सीबिलिटी एंड रिप्रजेंट अ बाइंडिंग ऑप्लीगेशन की मस्ट है ये आपने अगर कहा कि मैं इतने खरीदूंगा तो वो मस्ट खरीदने अगर आपने कहा मैं इतने बेचूंगा तो वो मस्ट करने हूँ दिस मीन कॉन्ट्रैक्ट बायर्स एंड सेलर कैन नॉट वॉक अवे इन लॉकडेन यानी कि जो आपने रेट लॉक कर लिया यू हैव टू लिव विद इट यू हैव टू स्टे विद इट हो सकता है आपको उसमें गेन हो जाए हो सकता है आपको उसमें लॉस हो जाए एग्जाम्पल के लिए हम इसकी बात करेंगे तो द मैकेजम ऑफ कंप्यूटिंग अ करेंसी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड करंसी का रेट कैसे डिटर्मिन होता है उसमें कोई बहुत डिफरेंट नहीं है इट्स अ सिंपल लॉजिक इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ द करेंट पेयर दो करेंसीज की हम बात हैं तो उन दोनों करेंसीज के इंटरेस्ट रेट्स में जो डिफरेंशियल है उस पर फॉरवर्ड का रेट डिटर्मिन हो रहा होता है ठीक तो अगर हम एग्जाम्पल एक करना चाहें तो यहाँ यू कैन सी अज्यूम एट द करंट स्पॉट रेट फॉर कनेडियन डॉलर ऑफ एस एस यू एस डॉलर एक जो है वो कनेडियन वन पॉइंट जीरो फाइव के बराबर है ये सारी एज्यूम्ड होते हैं इट कुड बी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने इन रेट से मिक्स नहीं करना मार्केट रेट्स किससे वेरी कर सकते हैं थोराटिकली आपको एग्जामिनर भी डिफरेंट रेट बांध सकता है हो सकता है एग्जामिनर आपको एग्जाम में लिख दे कि जी एक डॉलर जो है वो बीस रुपए के बराबर है तो अब वहाँ पे आप परेशान नहीं हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है अब इट्स अ एग्जाम एंड दैट्स योर टेस्टिंग तो यू हैव टू लिव विद व्हाट द इज गिवन आपको सबको पता है कि डॉलर मार्केट में 150 55 या जो भी रेट अभी चल रहा है बट एग्जामिनर कुड बी सेइंग इट अदर वे राउंड एज वेल सो यू हैव टू केयरफुली सी विद द फैक्ट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं वन डॉलर इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव वन ईयर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इसके थ्री परसेंट हैं कनेडियन डॉलर के साथ जो इंटरेस्ट रेट जिसके साथ लिंक्ड है और यूएस के साथ जो है वो 1.5 तो अब जो फ्यूचर का रेट डिटरमिन होगा कि फॉरवर्ड किस रेट पे बनेगा वो इन रेट्स की डिटरमिनेशन पे होगा आफ्टर वन ईयर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट पैरिटी यूएस डॉलर प्लस इंटरेस्ट ऑन वन पॉइंट फाइव जो उसका रेट होगा शुड बी इक्वल टू द करंट कनेडियन डॉलर ग्रोथ एट द रेट ऑफ द कनेडियन इंटरेस्ट रेट्स वो कैसे निकलेगा वन इंटू वन पॉइंट जीरो वन फाइव जो कि इक्विबलेंट मल्टीप्लाई विद कनेडियन फैक्टर तो रेट हमारा नेक्स्ट जो डिटरमिन होता है दैट इज़ वन यू एस डॉलर इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो सिक्स फाइव तो जो फॉरवर्ड है वो हम इस रेट पे लॉक करेंगे इस रेट पे हम लॉक जो लॉन्ग होगा वो इस रेट पे बाय करेगा शॉर्ट इस रेट पे सेल करेगा ये हमारा रेट एज वेल एक्चुअल स्पॉट रेट ऑन द कनेडियन डॉलर वन ईयर नाउ हैज़ नो कोरिलेशन विद द वन ईयर फॉरवर्ड रेट क्योंकि एक्चुअल रेट क्या होता है उसमें और बहुत फोर्सेज होते हैं मैक फैक्टर्स होते हैं मैटर्स होते हैं डिमांड सप्लाई एंड एवरीथिंग ये हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी से एज्यूम्ड रेट निकाला है और इस पर हम लॉक कर गए हैं करेंसी फॉर्वर्ड रेट इज मेरली बेस्ड ऑन इंटरस्ट रेट डिफरेंशियल एंड डज नॉट इनकॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन मार्केट सिचुएशन वो सारी चीजों को कैप्चर नहीं कर रहा ये तो इंटरस्ट रेट के फैक्टर्स पे बिल्ड बेस करके ये एक निकल आया करेंसी फॉर्वर्ड एंड हेजिंग हाउ डज अ करेंसी वर्क एज अ हैजिंग मैकेनिज्म एज्यूम कनेडियन एक्सपोर्ट सेलिंग यूएस वन डॉलर मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू यूएस कंपनी अब एक कनेडियन कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है और यूएस से उसने वन मिलियन डॉलर की ट्रांजेक्शन की है दे एक्सपेक्ट प्रोसीड्स इन वन ईयर फ्रॉम नाउ। उनको अब एक साल बाद पेमेंट आनी है अब रिस्क क्या है कि उस वक्त पता नहीं क्या रेट हो जाए द एक्सपोर्टर इज कंसर्न दैट कनेडियन डॉलर में हैव स्ट्रेंथन फ्राम इट्स करेंट लेवल कनेडियन डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए एक्सपोर्टर तो को नुकसान है डी वैल्यू हो जाए तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है क्योंकि अभी इस वक्त जो रेट है वो वन पॉइंट ज़ीरो फाइव है तो वो क्या करेंगे जो फॉरवर्ड रेट है वन पॉइंट जीरो सिक्स फाइव उस पर लॉक कर लेंगे अब उनको शोर शॉर्ट हो गया कि हमें जब भी पैसे मिलेंगे हम इस रेट पर हमारी उसकी रियलाइजेशन हो जाएगी मार्केट में डॉलर अप चला जाए डाउन चला जाए विद रिस्पेक्ट टू तो कनेडियन डॉलर दे विल बी गेटिंग एट कन्वर्टेड एट वन पॉइंट जीरो सिक्स फाइव तो ये ब्यूटी है फॉरवर्ड की और डेरेवेटिव की कि वो उन्होंने उनको पीस ऑफ माइंड दे दिया कम्फर्ट दे दी कि वो इनको पैसे इस रेट पर मिल जाएंगे इफ़ फ्रॉम ईयर टू नाउ अगर कनेडियन डॉलर हो जाए वन यू एस डॉलर इन टू पॉइंट वन पॉइंट जीरो थ्री यानी कि वन पॉइंट जीरो फाइव से वन पॉइंट जीरो थ्री पे हो जाए इसका मतलब है कि वो कनेडियन डॉलर ने अप्रीशिएट कर लिया जो कि रिस्क था एक्सपोर्टर को तो क्या होगा स्पॉट uh, रेट में जो है दे विल बी उनको जो रियल ट्रांजेक्शन में तो मार्केट से जो गेन अगर ये कैश सेटल्ड है मार्केट से तो उनको करंट रेट पे मूव करेंगे लेकिन जो उन्होंने अपना लॉक किया हुआ है वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स फाइव को उधर से उनको गेन हो जाएगा यानी कि एक साइड से उनको एक्चुअल लॉस हो रहा होगा बट तो अफेक्टिवली उनको क्या रेट लगेगा वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स फाइव जिस पे वो लॉक है अब ये डॉलर वन पॉइंट जीरो एट पर चला जाए तो भी यही होगा वन पॉइंट जीरो थ्री पर चला जाए यानी कि डॉलर किसी भी तरह मूवमेंट कर जाएगा वो अपने फॉरवर्ड रेट से लॉक्ड रहेंगे थैंक यू